नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल जनता बोल में और आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा और मैं हूं हेमंत केवलिया। हाजिर हैं आज एक बार फिर आपके सामने एक सवाल के साथ, जिसका जवाब जानने की कोशिश हम इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। हमारा सवाल आज का नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर है और सीमाओं के उल्लंघन को लेकर है। यानी कि मोदी पीएम बनते ही चीन पाक की को सीधा कर देंगे, ये कहा था अमित शाह ने मोदी के मंच से ही। अर्जुन मुंडा पहले भी सैकड़ों पाक सैनिकों के सर काटने की बात कह चुके हैं। सियासी लोगों की नफरत और मरते हैं सेना के जवान उस पार या हो फिर इस पार, साथ ही सैनिकों के परिवार की जिंदगियां भी उजड़ जाती हैं। शायद अच्छा तब होगा जब मैदान जंग में नेता सेना की अगुवाई करें। माना देश की रक्षा सत्ता धर्म है, लेकिन क्या देशों के बीच में नफरत फैलाना ये जायज है क्या? यही सवाल हमारा आज का है और इसी पर हम जानने की आपकी प्रतिक्रिया की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई देश की रक्षा सत्ता धर्म मानी जाती है। लेकिन सवाल हमारा यह है कि क्या देशों के बीच में, क्या दो देशों के बीच में नफरत फैलाना जायज है क्या? जी बिल्कुल, आप लोग क्या सोच रहे हैं आज के सवाल पर? चाहेंगे तमाम दर्शक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 0114321432 हमारा नंबर है। चाहेंगे सवाल फिर से एक बार दोहरा दें आप सभी के लिए, मोदी पीएम बनते ही चीन पाक को सीधा कर देंगे, ये कहना है अमित शाह का। तो ऐसे में मोदी के मन से अर्जुन मुंडा पहले भी सैकड़ों पाक सैनिकों के सर काटने की बात कह चुके हैं। सियासी लोगों की नफरत और मरते हैं सेना के जवान उस पार या फिर इस पार। तो ऐसे में सैनिकों के परिवार की जिंदगियां भी उजड़ जाती हैं। शायद अच्छा तब होगा जब मैदान जंग में नेता सेना की अगुवाई करे। माना देश की रक्षा सत्ता धर्म है, लेकिन क्या देश के बीच में नफरत फैलाना जायज है? आप क्या सोच रहे हैं आज के सवाल पर? चाहेंगे तमाम दर्शक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। 0114321432 हमारा नंबर है। सवाल और नंबर दोनों आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बिल्कुल, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है कि आप लगातार हमारे साथ मंच के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपने विचार विमर्श हमसे कर सकते हैं। अपने के अंदर क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में आप हमको बता सकते हैं। हमारे साथ सबसे पहले दर्शक किशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आज के सवाल को लेकर? नमस्कार जी। नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो एक शांतिप्रिय देश है जी, इन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको पर जो हिंदुस्तान के ऊपर कोई मूल्य उठा सके। ये जो है शांतिप्रिय देश है और इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम जो है नफरत फैलाए। और बाकी रही जंग के बाद इनकी तरफ से कभी पहल नहीं हुई। बाकी विदेशी जो है उग्रवाद या सेना के जवान, वो हमारे बल के सेना के जवानों के सर काट कर ले आते हैं। बाकी ये जो नेताओं का बयान है, ये अच्छा बयान नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीति का खेल है और कुछ नहीं है जी। ये नफरत वाला खेल ही खिलाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अपना विचार रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। वाकई जो बयानबाजी की जाती है वो कहीं ना कहीं सोच समझ के नहीं की जाती, कहीं फुहड़ बयानबाजी देखने को मिलती है तो कहीं नफरत पैदा करने वाली बयानबाजी देखने को मिलती है, जो आज के दिनों में हम बहुत देख रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में नेता क्या कुछ बोल जाते हैं उनको पता नहीं चलता। अमित शाह की हमने बात करी और वहीं मोदी के मंच से जहां अर्जुन मुंडा ने कहा था कि सैकड़ों पाक सैनिकों की सर काटने की बात उनकी तरफ से की गई, तो साफ है ऐसे में कहीं ना कहीं नफरत फैलती जरूर है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या देश की जो रक्षा है वो सत्ता धर्म तो है, लेकिन क्या वाकई सत्ता धर्म के साथ साथ हम नफरत फैलाने वाली बातें करें और उसके बाद सत्ता में आए? जी बिल्कुल, हमारा आज का सवाल यही है कि माना देश की रक्षा सत्ता धर्म है, लेकिन क्या देश के बीच नफरत फैलाना जायज है? आप क्या सोच रहे हैं आज के सवाल पर? चाहेंगे तमाम दर्शक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस बीच रणधीर जी हमारे साथ जुड़ गए। रणधीर जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में सवाल को लेकर? मेरा मैडम यह है कि इस प्रकार की बातें करना इस समय कोई अच्छा नहीं लगता। क्या अर्जुन मुंडा और क्या हमारे ये मोदी जी हैं, यहाँ तो बात यह है कि अपने देश की रक्षा करने की बात तो कोई सोचता नहीं, वोट बटोरने की बात सोच रहे हैं बयानबाजी में। अगर वर्तमान में देखें तो आज जो है खरबों रुपये घोटाले होते हैं इसके हथियार खरीदने में, और मरते हैं तो हमारे सैनिक मरते हैं या फिर पब्लिक मरती है जी। अब ये जो माओवादी उग्रवादी हैं, ये नेताओं को कोई नहीं मारता, पब्लिक को मार रहे हैं जी। और ये हाल वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर एक चलिए बेशुक्रिया राय देने के लिए। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है सवाल को लेकर, आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। और इस बीच एक और दर्शक सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में, क्या कहेंगे आज के सवाल को लेकर आप? सर ये जो इलेक्शन का टाइम है जी, सभी इनको पाकिस्तान चाइना सब चीज याद आती है, अमित शाह फलाना ढिंगड़ा, लेकिन इन्होंने कभी भी देश के प्रति कोई रोजगार
सरकार के प्रति कोई बात नहीं करी जी। ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है इनका लोगों को बेवकूफ बनाने का जी। और मोदी जी से ऐसी उपेक्षा नहीं करना चाहते हुए, लेकिन मोदी जी सिर्फ देश को भड़काने वाली, कभी मुजफ्फरनगर जिला करा देते हैं, कभी कहाँ करा देते हैं जी। इनका कोई तीन धर्म नहीं है, सिर्फ एक इलेक्शन बटोरने वाला काम है इनका। अब चाहे ये जो अमित शाह जी है, इनका भी इतिहास देख लो जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपने विचार रखने के लिए। बाकी जो बयानबाजी की जाती है, हम उसी को लेकर आज आपके सामने आए हैं और उसी को लेकर हमने सवाल भी पूछा है कि जो बयानबाजी, यानी कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में रिझाने की मनाने की कोशिश तो भरपूर की जाती है, लोक लुभावने वायदे किए जाते हैं, लेकिन इस ओर एक बात यह भी निकल कर सामने आती है कि अगर आप हमको सत्ता में लाते हैं, अगर देश हमारा सपोर्ट करता है, तो जो पाक सीमाओं के उल्लंघन, माफ कीजिएगा, भारत सीमाओं के उल्लंघन की जो बातें निकल कर सामने आती हैं, हमारे सैनिकों के सर काट दिए जाते हैं, या फिर चीन की जो सीमा है, भारत और चीन की भी जो सीमा है उसका उल्लंघन की जो खबर मिलती है, ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये बयानबाजी कुछ अलग तरीके से पेश की जाती है। क्या वाकई नफरत फैलाने वाली स्थिति है क्या? इस बीच रविंदर जी हमारे साथ जुड़ गए। रविंदर जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में सवाल को लेकर? हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी मैम, ऐसा है इसमें गलती हम देशवासियों की है, मैं ये समझता हूँ। हमें जो चीज अच्छी लगती है वही हमारे नेता हमें परोस कर देते हैं ना। अब हम अगर खुद सुधरेंगे तो सारा तंत्र सुधर जाएगा जी। मेरे को ये लगता है हम जितनी भी कमियां हैं, परेशानियां हैं हमारी, हम जज्बाती हैं लोग ज्यादा जी। अरे जज्बात के साथ साथ जो है कहते हैं ना, जोश के साथ होश भी होना जरूरी है जी। वाकई हमारे होश की बहुत जरूरत है। बड़े टाइम के बाद होश वाला व्यक्ति आ रहा है देश में, इस होश वाले व्यक्ति को सपोर्ट करो, मैं कहता हूँ। थैंक जी। चलिए बेशुक्रिया राय देने के लिए। तो आप लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है सवाल को लेकर? अमित शाह का बयान सामने आया है कि मोदी पीएम बनते ही चीन पाक को सीधा कर देंगे। ऐसे में मोदी के मन से अर्जुन मुंडा पहले भी सैकड़ों पाक सैनिकों को सर काटने की बात कह चुके हैं, तो ऐसे में देश की रक्षा सत्ता धर्म है, लेकिन क्या देश के बीच में नफरत फैलाना कितना जायज है? आप लोग क्या सोच रहे हैं, जहन में क्या कुछ चल रहा है सवाल को लेकर? आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। 0114321431 हमारा नंबर है। और स्पीचों को दर्शक मांगेराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मांगेराम जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आज के सवाल को लेकर, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? मांगेराम जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी मांगेराम जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं मैं जग्गी गाड़ा बोल रहा हूँ जी। जी जी बताइए। तो जग्गी गाड़ा बोल रहा हूँ जी। हाँ जी हाँ जी कहिए, क्या क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में आज के सवाल को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आपने जनता टीवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने देशवासियों के लिए, देश के लिए सच्ची सोच का मुद्दा उठाया जी। शुक्रिया। मैं ये कहता से जग्गी गाड़ा बोल रहा हूँ सर, ये मांगेराम नहीं है सर जी। जी सर, ये मैं कहना चाहता हूँ जो नेता आज हमारे देश को मिसगाइड कर रहे हैं, एक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपने वोट को बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए मिसगाइड कर रहे हैं देश की जनता को, और हमें जनता को भी सोचना होगा। अगर ये बात करते हैं देश की, तो इनको अपनों बेटों के जाके से वो देश की रक्षा के लिए क्यों नहीं भेजते? भगत सिंह कहते हैं हमारे घर में भगत सिंह पैदा ना हो, भगत सिंह तो देश के पड़ोसी के घर में पैदा हो। ये सिर्फ नाम कमाने के लिए देश में अपना लोगों को मिसगाइड करने के करना चाहते हैं। मैं एक देशवासियों के लिए, उन शहीदों के लिए दो लाइनें कहना चाहता हूँ जी। कहूँ अपना देश के लिए बातें हैं, तराने वतन के प्रति जाते हैं, फांसी का फंदा चूम कर जाते हैं, याद करते हैं, आंसू बरस जाते हैं, ऐसे सपूतों के, सपूतों ने नाम कमाया है, सारे जग को अपना बनाया है, भारत की आन बचाने को, अपनी जिद मनवाने को झुकना नहीं सीखा इन्होंने, सलीका नहीं है, ये तिरंगा की जान बचाने के, अपना सिंह बचाने को, लहू देश बहाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जन्मे माता के लाल से, लिया अंग्रेजों से डटकर इनकी मिसाल से, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, देश के लिए जवानी भूल गए। चलिए चलिए बहुत शुक्रिया आपने, इन जो पंक्तियां आपने कही बहुत अच्छी बातें यहां पर निकलकर सामने आई हैं, पंक्तियां बेहतरीन पंक्तियां आपकी तरफ से की गई, लेकिन हमारा सवाल थोड़ा सा सीमा को लेकर है, सीमा के उल्लंघन को लेकर है, और हमारा जो सवाल है वो नफरत जो पैदा की जाती है बयानबाजी के जरिए केवल वोट हासिल करने के लिए, क्या कोई नफरत पैदा करना सही है? उसी पर लेकर हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आपका जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, अपने जहन में क्या चल रहा है बता सकते हैं। इस बीच प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कुछ चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरा ये कहना है कि युद्ध या जंग मैडम किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध व जंग से सिर्फ नरसंहार होता है और तबाही होती है जी। और
युद्ध के बाद जो है किसी देश को विकास की राह में पहुंचने में काफी समय लग जाता है। तो मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बने जी, तो उसका जो मेन एजेंडा होना चाहिए पहले जो उसके पड़ोसी देश है उनसे अपने रिश्तों को कैसे वो सुधार करे इस बारे में सोचे, क्योंकि अच्छे रिश्ते ही सभी समस्याओं का समाधान होते हैं, ना कि किसी का सिर काटना या किसी को मारना। धन्यवाद। चलिए बेशुक्रिया राय देने के लिए। तो आप लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है सवाल को लेकर, आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव करीब हैं तो ऐसे में बयानबाजी का दौर चला रहता है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चला रहता है, तमाम नेता नहीं झुकते हैं आरोप और प्रत्यारोप लगाने से। तो आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, जुड़े हमारे साथ। इस बीच एक और दर्शक सेवा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेवा सिंह जी, क्या कहेंगे आज की जो राजनीति है किस ओर जा रही है, क्या समझ पा रहे हैं आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए सर, सारे हिंदुस्तान को पता है हमारे जवानों के सिर कटे, सबके दिल में दर्द है, मगर ये मौके की बात होती है। चुनाव का टाइम है, ऐसे चुनाव के टाइम में ऐसे भाषण देना अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देते। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया आपने विचार रखने के लिए। बाकी हमारा जो सवाल है वो बहुत ही जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सवाल भी हमने उसी हिसाब से उठाया हुआ है कि आखिर जो बयानबाजी अभी जो की गई अमित शाह की, हम बात कर लें जो कि चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी की तरफ से, अर्जुन मुंडा की हम अगर बात कर लें तो उन्होंने जो बयानबाजी की है, उन्होंने जो वोट बटोरने की कोशिश की है, पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मंच से उन्होंने कहा था कि सैकड़ों पाक सैनिकों के सर काटने की बात उनकी तरफ से की गई, यानी कि सियासत की जाती है, लेकिन सियासत के साथ साथ नफरत पैदा करने की कोशिश लोगों के दिल में की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नफरत उनके दिल में पैदा हो जिससे वो हमको वोट दे सकें और वोट हासिल हमको हो सके और आगे सत्ता में वो काबिज हो सकें। अब फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा जारी है। मुद्दों से सच निकालने की कोशिश, खबर का असर जानने की कोशिश, हर वो खबर जो है आपके लिए अहम उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश। देखिए खास नजर सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर। क्या आप जानते हैं पंजाब में बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए, मध्य प्रदेश में 275 रुपए और विकास का बढ़ चढ़ कर ढोल पीटने वाले गुजरात में सिर्फ 400 रुपए प्रतिमाह है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा सरकार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता यानी बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह दे रही है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्यों कहा जाता है अपने प्रदेश को हरियाणा वासियों। 10 अप्रैल के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। ओबन चले जब सनन सनन, जब आंगन आंगन, फसल हिले जब मगन मगन, गोपाराई मोटर स्टार्टर, अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। सुपर स्टाइलिश इनोवेशंस, ब्यूटीफुल फ्यूचरिस्टिक डिजाइंस, वास्ट रेंज ऑफ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, चिलीज स्टैंडर्ड प्रीमियम सैनिटरी वेयर, क्रिएशन विद कंप्लीटनेस। कांग्रेस वो सोच है जिसकी रग रग में कुर्बानी, स्वर्ण अक्षरों से लिखी है जिसकी अमर कहानी, इंदिरा और राजीव गांधी ने देश पे तन मन वारा, सोनिया और मनमोहन जी लाए विकास की धारा, राहुल जी का शुभ संदेश है घर घर तक पहुंचाना, भारी बहुमत देकर अपना कांग्रेस को लाना, हाथ का बटन दबाना, हाथ का बटन दबाना, हाथ का बटन दबाना। हरियाणा वासियों, 10 अप्रैल के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारा सवाल और नंबर दोनों बरकरार है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं आज के सवाल पर, क्या कुछ चल रहा है जहन में? आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, नरेंद्र जी। नरेंद्र जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कुछ चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? मैम जहन में तो यही चल रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे नेताओं की जो देशभक्ति है वही निकल के बाहर आती है, वो देख उस टाइम ही दिखाते हैं। बाकी आने वाले 5 सालों में ना तो कोई नेता ऐसी बात करेगा ना कुछ, वो इसीलिए क्योंकि मैम अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन को देखेंगे भाई कि जवानों की शहादत हो रही है, तभी वो भड़काऊ भाषण देंगे ताकि वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ ही आ सके, जैसा कि आपने कहा था। मैं यही पूछना चाहूंगा, आज तक किस नेता का या किस जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे मिनिस्टर बैठे हैं, किसका लड़का आज तक आर्मी में है या फ्रंट पे वो शहीद हुआ है? जी चलिए शुक्रिया राय देने के लिए। तो आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है सवाल को लेकर, चाहेंगे महिला वर्ग और युवा वर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। 01-4321-4321 हमारा नंबर है, जहां पर अमित शाह का ही जो बयान सामने आया कि मोदी पीएम बनते ही चीन और पाक को सीधा कर देंगे, तो ऐसे में मोदी के मन से अर्जुन मुंडा भी पहले ये कह चुके हैं कि सैकड़ों पाक जो सैनिक हैं उनके सर कटाने की बात वो कह चुके हैं, तो ऐसे में देश की रक्षा सत्ता धर्म है, लेकिन क्या देश के बीच में नफरत फैलाना कितना जायज है? आप लोग क्या सोच रहे हैं सवाल पर, आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कुर्सी हासिल करने के लिए केवल ये बयानबाजी कितनी सही है ये जानने की कोशिश हम आपसे कर रहे हैं। अगर वाकई नेताओं को फिक्र है सेनाओं की और वाकई देश की फिक्र है और देश की सीमाओं के अंदर जो उल्लंघन लगातार ऐसी खबरें मिलती रहती हैं उस पर अगर नकेल कसनी है तो उसकी अगुवाई खुद नेता क्यों नहीं कर लेते, यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आज के सवाल को लेकर? मुकेश जी आवाज मिल रही है? इस बीच सत्तू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और दर्शक। सत्तू जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? जी सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी। हेलो जी जी कहिए। जब कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता जब कोई फौजी की नार काट के ले जाते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री कुछ भी जवाब नहीं देते हैं ना कोई बोलते हैं, बस ये टाल देते हैं कि अमन और शांति की बात करेंगे, जो फौजी के घरवाले की मालिक चाहती होती है जब उनका लड़के की नार काट के ले जाते हैं, वो देश की सेवा करते हैं। जब कोई नरेंद्र मोदी जैसा नेता आके कोई देश के इसके बारे में कोई बात करता है कि जो पड़ोसी देश है जी चमकने लगेंगे, डरते हैं ये मोदी जी से, पड़ोसी जितने भी देश है। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि क्या वाकई जो नेता हैं जो बयानबाजी तो कर देते हैं, यानी कि अमित शाह अर्जुन मुंडा की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मंच से ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं लगातार पाक सीमा और भारत सीमा के LOC की अगर बात करें तो सीमा का उल्लंघन वहां पर देखने को मिलता है, जो चीन सैनिक हैं वो हमारी सीमाओं के अंदर घुस जाते हैं, ऐसी घटनाएं हालांकि होती रहती हैं, लेकिन क्या वाकई लोकसभा चुनाव के लिए वोट हासिल करने के लिए ये नफरत पैदा करना जरूरी है क्या? इस बीच रवि जी हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी स्वागत है आपका बोल जनता बोल में, क्या कुछ चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम, जो अमित शाह जी ने बयान दिया ये एक प्रकार से बहुत ही सही है, क्योंकि जो हमारी चीन है कभी तो हमारी जमीन को घेरती है, कभी सीमाओं पर कब्जा करती है, पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर को काट के ले जाते हैं, उनको पैरों से कुचलते हैं जी। तो पर होना ये चाहिए मैडम कि ये ऐसा कोई नेता हो जो एक्शन ले सके, जो ये नहीं कि वोटों के टाइम पे इन बातों को करे, वोटों के बाद भी इनको इन पर ध्यान दे, जो सैनिकों के प्रति इतना प्यार रखता हो। तो अब मेरी राय यही है सर मैडम। चलिए बेशुक्रिया राय देने के लिए। तो आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है सवाल को लेकर, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम में बेहद ही कम समय बचा है। 01-4321-4321 हमारा नंबर है। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आज के सवाल को लेकर? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी। एक तो मीडिया वाले एक कांग्रेस वाले जी नरेंद्र मोदी के मगर लगे हुए हैं, अमित शाह के मगर लगे हुए हैं जी। अरे इमरान वो एक जो कहता है मोदी को मार दूंगा, ये कहता है राहुल गांधी कहता है, कभी सोनिया मौत का सदागर कहती है, इतना अच्छा मोदी कर रहे हैं आप फिर भी इसके मगर मीडिया वाले लगे हो, कांग्रेस वाले लगे हो, इनको मरवाने के लिए लगे हो। भूपेंद्र जी आपको बता दें कि मीडिया या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मीडिया का ये नहीं चाहेगा कि निष्पक्ष तरीके से हम आप सवाल कर रहे हैं या निष्पक्ष तरीके से हम आपसे कोशिश कर रहे हैं जानने की, क्या वाकई जो बात उनकी तरफ से की गई क्या वाकई ये बात जायज है क्या
क्या नफरत फैलाने की, हम एक बार फिर से आपसे समझा दें, जो सवाल है बड़ा संजीदा है, सवाल यही है कि माना देश की रक्षा सत्ता धर्म है, लेकिन क्या देश की जो रक्षा है सत्ता धर्म जरूर मानी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नफरत पैदा करके लोगों को रिझाने की कोशिश की जाएगी, क्या लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी सही है क्या, यही जानने की कोशिश हम आपसे कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आखिर नेता सेना की अगुवाई क्यों नहीं कर लेते, क्या सत्ता हासिल करके ही वो सब कुछ ठीक कर पाएंगे। इस बीच बलवान जी हमारे साथ जुड़ गए। बलवान जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कुछ चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सैनिक हूँ। जी शुक्रिया। आपने जो इतना बढ़िया जो एक क्वेश्चन रखा है वो देश को मतलब सैनिकों की असली बात बताएगा। देखो जी जो नेता लोग हैं ये सैनिकों का नेतृत्व नहीं कर सकते जी, लेकिन अपनी सत्ता आने के बाद में नहीं उनका वेलफेयर तो बढ़ा सकते हैं। अभी देखो सियाचिन ग्लेशियर में एक रात भी ये नेता रुक कर देखें जी, सिर्फ सिंगल एक रात जी, उनको सैनिकों की असलियत का पता लग जाएगा। चलिए शुक्रिया राय देने के लिए। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं आज के सवाल पर, क्योंकि कार्यक्रम में बेहद ही कम समय बचा है। 0114321432 हमारा नंबर है, आप लोग भी नंबर डायल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। यहाँ पर अमित शाह का बयान सामने आया है कि मोदी पीएम बनते ही चीन पाक को सीधा कर देंगे, तो ऐसे में जो बयानबाजी का दौर है वो चलता रहता है, रैलियां आए दिन तमाम पार्टियां कर रही हैं और विपक्ष पर निशाना साध रही हैं, तो क्या इस बयानबाजी से जो देश के बीच जो नफरत फैलाना कितना जायज है? आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है जहन में सवाल को लेकर, आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, इस बीच एक और दर्शक वीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी क्या कहेंगे आज के सवाल को लेकर आप? वीरेन जी सुन पा रहे हैं आप? जी वीरेन जी कहिए, जुड़ चुके हैं आप। हेलो। जी जी बताइए। सर बताना चाहूंगा जैसे बयानबाजी करें, बयानबाजी तो पहली बात सबसे बड़ा गलत ही है, ऐसी बयानबाजी करनी नहीं चाहिए। अगर ये कर भी रहे हैं तो इन फ्यूचर जब ये मिनिस्टर बनते हैं तो इनको ऐसा करना भी चाहिए जैसा ये कह रहे हैं, क्योंकि सैनिकों की क्या हालत होती है क्या नहीं, एक एक गांव में 8-8, 10-10 लड़के भर्ती होते हैं और सबके सब ऐसे ही शहीद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से ये कह रहे हैं उस हिसाब से इनको करना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तानी हमारे सैनिकों के सर काट कर लेके गए जैसा कि अभी एक दर्शक ने बताया, और उसके साथ उन्होंने मतलब अभद्र व्यवहार किया। बिल्कुल। और इन अभी लास्ट कारगिल युद्ध में ही देख लीजिए वो कादे जी थे, उनके शरीर के साथ क्या क्या किया गया, कैसे कैसे अंग, कौन कौन से अंग काट दिए गए, कौन कौन से नहीं, वो हमने सिर्फ टीवी पे ही देखा था, वो तो हम देख नहीं पाए। जी बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। वाकई ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति में केवल और केवल जहां जनता देश में पिस रही है तो वहीं सीमाओं पर जो हमारे सैनिक हैं बेचारे वही पिसते नजर आते हैं। सवाल हमारा बड़ा ही संजीदा था और यही जानने की कोशिश हमने की, उसका जवाब जानने की कोशिश हमने आपसे की कि आखिर केवल बयानबाजी सत्ता में कुर्सी हासिल करने के लिए, केवल सत्ता में आने के लिए ये बयानबाजी तो कर दी जाती है, यानी कि कह तो दिया जाता है लेकिन उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? जब विपक्ष में बैठी है सरकार, जब या विपक्ष जो बैठा है वो हमेशा बयानबाजी करता है और बयानबाजी के जरिए सत्ता में आने की कोशिश, या हालांकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और यही कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, बयान दिए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सैनिकों की सुनने वाला कौन है, सैनिकों की हमदर्दी के लिए आगे कौन आता है? क्या अगर इतनी अगर हमदर्दी उनसे थी तो नेता आखिर सैनिकों की अगुवाई क्यों नहीं कर लेते थे? यही सवाल जानने की हमने आपसे कोशिश की, इसी का जवाब जानने की कोशिश की।